यस बच्चों हमारा है गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का पेपर क्लास 11th का जो रिसेंटली अभी हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर है। तो अब देखो सबसे पहले बच्चों सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में हमारे हमेशा की तरह बच्चे तीन क्वेश्चन होते हैं, दो दो नंबर के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो है वो पीवी अपॉन एनआरटी होता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देख लिया बच्चों, अब ठीक है ना। कहते हैं जेड की वैल्यू बताओ आइडियल गैस के लिए क्या होती होगी, जेड की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या होती है, वन होती है। तो बहुत आसान है, कितनी बार बच्चों पेपर हमने कर लिया। कहते हैं फॉर रियल गैस व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ जेड अबव बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है ना। अबव बॉयल टेम्परेचर, देखो बॉयल टेम्परेचर वो होता है जहां पर कोई भी गैस आइडियल होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस जो होती है बच्चे वैल्यू ऑफ जेड, तो बच्चे ऑब्वियसली ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू क्या है, पीवी अपॉन एन आर टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। टेम्परेचर जो है वो बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा अगर आप करोगे तो जेड की वैल्यू कम होने का मतलब होता है कि नेगेटिव डिविएशन की तरफ चली जाएगी। जेड की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया कि वो नेगेटिव डिविएशन की तरफ चली जाएगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे कहते हैं मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO, बड़ा आसान है। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा आ जाएगा NaCl। तो इसको बस इसमें पता है क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा बस। कैल्शियम रिएक्ट विद LCl, HCl, CA प्लस CaCl2 बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। मेटल प्लस एसिड, ये कोई क्वेश्चन हुआ बेटे, 10th क्लास का क्वेश्चन है ना। कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल लैटिस एंथैल्पी फॉर NaCl, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी बॉर्न हैबर साइकिल ना मतलब ज्यादातर वैसे रिलेटेड है, पता नहीं इनके स्कूल में कैसे आ गया, मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि ना एक साइकिल ऐसे बनती है जैसे कि Na प्लस Cl2 से क्या बना NaCl। इसमें ना सारी एंथैल्पीज को समझाओ, ठीक है, सारी एंथैल्पीज को समझाओ। जैसे कि Na जो है वो सबसे पहले Na में से क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले ना Na सॉलिड होता है, उसको बच्चों हम क्या बनेंगे, उसको हम क्या बना देंगे, गैस बना देंगे, ठीक है ना। फिर गैस जब बना दोगे, सॉलिड से गैस जब बना दोगे बच्चे Na को, तो उस केस में जो हीट हमारी लगेगी उसे क्या बोलोगे बच्चे, सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या बोलोगे बच्चे, सब्लिमेशन एंथैल्पी। उसके बाद क्लोरीन जो है उसको तुम्हें ना क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यहां पर जो हमारी एंथैल्पी लगेगी, अच्छा एक तो ना इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ना ये पर मोल ही होती है, ये जो होती है ना ये पर मोल ही होती है एंथैल्पीज में ना, सारा ये पर मोल होता है, मैंने बताया हुआ है। तो इसको ना हाफ मोल ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, हाफ मोल्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन जो है बच्चे वो भी किस में होगा, गैस में होगा। अब क्या होगा बच्चे, आपको पता है कि Na जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तभी तो वो रिएक्शन करेगा ना, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरीन जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अपने आप जुड़ेंगे, और जो हीट बाहर निकलेगी उसे पता है क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलोगे बच्चे, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल है, मतलब ठीक है, मैंने आपको करवा दी है, बहुत रेयर स्कूल में आपको देखने को मिलेगी। आपके स्कूल में करवाई होगी तो करना, वरना मत करना। ये अगर किसी को नोट करें तो नोट कर लो बेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर बच्चे हम क्या बोलते हैं कि तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए बच्चे हम क्या बोलते हैं उसको, कि जब इसका मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शोज रिजेंबलेंस विद द डायगनली सिचुएटेड एलिमेंट ऑफ विद द डायगनली सिचुएटेड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। मतलब देखो क्या हुआ, देखो
एलिमेंट्स ऑफ सम कर सकते हो यहाँ पर, है ना। जैसे कि देखो बच्चे क्या होता है कि लिथियम किससे मैच करता है बेटा, मैग्नीशियम से। लिथियम कौन से किसका पीरियड है, सेकंड का है, ये कौन सा है, ये थर्ड है, ठीक है ना। ऐसे बच्चे यहाँ पर है जो है वो कौन, बेरिलियम है, बेरिलियम किससे मैच करता है बच्चे, एल्यूमिनियम से, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉपी का मतलब होता है, एलोट्रॉपी का मतलब होता है बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है बच्चे, कैटेनेशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, ठीक है। एक मिनट से बेटा, कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो एक बार। ठीक है, एबिलिटी हाँ बेटे, कैटेनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस। हाँ बेटे, कैटेनेशन सबको समझ में आ गया, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन सेल्फ लिंकेजेस, जैसे कार्बन कार्बन बनाता है ना, इसको बोलते हैं बेटे कैटेनेशन। उसके बाद बच्चों कहते हैं, बड़ा अच्छा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, कहते हैं PbCl4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे PbCl4 में ना Pb4+ है, जो कि क्या होता है, Pb4+ क्या होता है, अनस्टेबल होता है। Pb4+ क्या होता है बच्चे, अनस्टेबल होता है, वो बनना चाहता है Pb2+ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका आंसर बच्चों हम लिखेंगे कि एज PbCl4 Pb+4 इज अनस्टेबल, इट चेंजेस टू Pb2+ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बच्चे एटॉमिक, ये बोरोन इज अनएबल टू फॉर्म Bf6 3-। तो बच्चों कितनी बारी बता चुका हूं कि बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, बोरोन डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, बोरोन डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद बच्चे कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो पोअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज, तो पोअर शील्डिंग इफेक्ट, ऐसे मत लिख देना खाली पोअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। आप बोलना पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल इन गैलियम, पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल इन गैलियम, इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल इन गैलियम, इन गैलियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आ भी गए, देखो बच्चों इतनी जल्दी हम, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बच्चे हाइड्रेशन एंथैल्पी, कैटेनेशन और एटॉमिक रेडियाई। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर बच्चे जितना छोटा साइज होगा ना, उतनी ही ज्यादा होगी, लिथियम प्लस की हाईएस्ट होगी, फिर होगी बच्चे Na+ की, फिर होगी किसकी, K+ की, और फिर होगी बच्चे किसकी, Rb+ की, और फिर हो गई Cc+ की। कैटेनेशन में बच्चे कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन दिखाता है, फिर सिलिकन, फिर जर्मेनियम, और फिर टिन, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई बच्चे, अभी यार ये तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया ना, एटॉमिक रेडियाई तो 10th का बच्चे बता देगा कि बेरिलियम सबसे छोटा है और बेरियम सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ऑप्शन में बच्चों एक और क्वेश्चन आया हुआ है, कहते हैं एल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर बिकॉज एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दे ऑलवेज फाउंड इन
कंबाइंड फॉर्म, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, हाईली रिएक्टिव एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है कि जो है वो एल्कली मेटल व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया इम्पार्ट्स ब्लू कलर, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि एल्कली मेटल, इसका ना आंसर होता है बच्चों अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसका आंसर होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया से सराउंडेड होता है बेटे, क्या बोलोगे उसको, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कहते हैं थैंक यू। बी पार्ट में बच्चे हम क्या बोलेंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम कलरेशन नहीं देते क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम की होती है बहुत हाई, पता है क्या बहुत हाई होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लो, या ऐसे कह लो कि बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा है और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। 150 बार समझा चुके होंगे मैं, कितनी बार जितनी समझाया। अच्छा, कहते हैं पेंटुइन को अगर ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, बेटे पेंटुइन का अगर ओजोनोलाइसिस करोगे, पेंट टू इन का अगर ओजोनोलाइसिस करोगे तो उस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, यहां से बॉन्ड टूटा और ये बन गया बच्चे CH3CH डबल बॉन्ड ओ प्लस CH डबल बॉन्ड ओ CH2CH3। ठीक है ना, तो इसके बाद आ जाते हैं बच्चे जो है 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीन, देखते हैं बच्चों आ जाओ 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीन का करते हैं बच्चे, तो ये हो गया बच्चे। अब उसके बाद आता है बेटा, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी आपको फटाफट, 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीन वाला, ठीक है ना। देखो बच्चे हेप्थ्रीन लिखा पहले, तो हेप्थ्रीन का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन वाला एक अल्कीन और उसमें 1, 2, 3 यहां पे डबल बॉन्ड लगा दी, एच को पूरा कर दो, ठीक है ना, यहां पर भी 3 और 4 में मिथाइल आ गया है ना, तो ठीक है ना। एक पेंटेन टू ऑन कह रहे हो और एक ब्यूटेन ऑन कह रहे हो ना बेटा, इसमें ओ थ्री एड करके CH3CH2C डबल बॉन्ड ओ CH3, ये क्या है बेटा बताना, ब्यूटेनॉन, और ये क्या है पेंटेनॉन, पेंटेन टू ऑन है ना। अच्छा, फिर मेरी फेवरेट कन्वर्जेंस आ गई बच्चों, है ना, तो जो मेरी फेवरेट कन्वर्जेंस है बच्चे, इसमें इथाइन से बेंजीन करना है बच्चे आपको, इथाइन से बेंजीन के लिए क्या करते हैं बच्चे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे, बेंजीन से एसिटोफिनॉन के लिए फिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको इरेज करके आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो इथाइन से बेंजीन करना है बच्चे आपने, ठीक है ना, ये इथाइन है, यहां पे क्या बनाना है बच्चे आपने, बेंजीन, यहां पर क्या लिखूंगा बच्चे बताना जरा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है ना, 873 केल्विन टेम्परेचर, तो ये 3 moles से बेंजीन बन गया। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है बच्चे आपको, ये बेंजीन है C6H6 और इसमें CH3COCl ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, ठीक है ना। ब्रोमोइथेन से ब्यूटेन करना है बच्चे आपको, तो ब्रोमोइथेन से ब्यूटेन के लिए आप करेंगे बच्चे वुड्स रिएक्शन, एनए ड्राई इथर कर देना बस इसके अंदर, है ना, एनए ड्राई इथर कर देना। कहते हैं ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, बच्चे इसको मैं बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। देखो ये सामने नाइट्रोबेंजीन है, ऐसे बनता है देखो नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये आना तो नहीं चाहिए बच्चे। अब क्या है पब्लिक स्कूल्स में दे देते हैं बच्चे कुछ भी, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है बच्चे, ठीक है ना, ये माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है लोन पेयर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, ठीक है ना, तो उस केस में बच्चे ये क्या बनेगा, उस केस में बच्चे ये बनेगा
डबल बॉन्ड एन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा पता है प्लस आ जाएगा बेटे, क्योंकि बेंजीन ने जो है ना बेंजीन ने जो है वो क्या करा है बच्चे, बेंजीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको ना माइनस आर इफेक्ट कहते हैं बच्चे। तो माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है कि अब अगली बार ये बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही बच्चे और भी इसके बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनता है बच्चों, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, आपको आइडिया दे दिया कैसे बनता है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट बताओ क्या होंगे, तो बच्चे अगर इसके प्रोडक्ट बताने तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्टर है ये ना, मेटा डायरेक्टर है बेटा, ये कौन सा डायरेक्टर है बेटे, मेटा डायरेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर ये मेटा डायरेक्टर तो क्या बनेगा जरा एक बार सोचो। अब देखो बच्चे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं ड्रॉ दी सौ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ और स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, ठीक है ना। तो उस केस में बच्चे देखो, स्टैगर्ड और एक्लिप्स जो है ना वो इस तरह 100 हॉर्स बनाना है ना, 100 हॉर्स के लिए ऐसे करते हैं देखो, ये दो कार्बन है और इथेन दिखाना है ना, इथेन मतलब ये कार्बन है ये कार्बन है, एक बार बनाओ ऐसे, एक बार बनाओ सीधा वाय, एक बार बनाओ उल्टा वाय। अब बोलो सर क्या बना रहे हो, अरे ये एच है, ठीक है ना, ये जो है वो बहुत सही बोला है बच्चे ने, बिल्कुल स्टैगर्ड, इसमें दूर दूर दिखा रहे हैं हम, है बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। अगर आप दोनों ही सीधे वाई बना दोगे ना तो और वो एक्लिप्स बन जाएगा, है ना सर। स्टेबल तो एक्लिप्स ज्यादा होगा क्या, हाँ ये स्टैगर्ड, स्टैगर्ड स्टेबल होता है, वेरी गुड, ठीक है ना। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मिनिमम रिपल्शन, ठीक है ना। ये इथेन बना दिया हमने, चार्ल्स लॉ अगर आपको नहीं आता तो बच्चे आप क्या करोगे, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एज अ कांस्टेंट। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट आता है, कहते हैं सैंपल ऑफ हीलियम एज अ वॉल्यूम ऑफ 600 कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम बिकम 360 प्रेशर कॉन्स्टेंट। तो फिर V1/T1 इक्वल टू V2/T2 लगा दो, क्या परेशानी है, ठीक है ना। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पी टोटल जो होता है वो होता है P1+P2, नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी का ही 8वां क्वेश्चन है बच्चों, जो ये वाला है बी। इसमें क्या करना है, कह रहे हैं पहले एक गैस थी, दो गैसेस थी, एक गैस कौन सी थी बच्चे, हाइड्रोजन, एक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही एक ही कंटेनर में डाल दिया बच्चे इन्होंने, है ना। तो पहले कितना था हाइड्रोजन, कितनी थी पहले 0.5 लीटर थी, और ये कितनी थी 2 लीटर थी। इसका प्रेशर कितना था 0.8 बार, और इसका प्रेशर कितना था पहले 0.7 बार, ठीक है ना। दोनों को ना एक ही कंटेनर में डाल दिया 1 लीटर के, तो जब दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया 1 लीटर के, तो इसका प्रेशर बदल जाएगा। अब पहले आप हाइड्रोजन के लिए लगाओ आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी बॉयल्स लॉ, फिर किसके लिए लगाओ ऑक्सीजन के लिए लगाओ। हाइड्रोजन के लिए लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये P1V1 = P2V2, ठीक है। P1 कितना था पहले बताओ 0.8 बार, वॉल्यूम कितनी थी पहले 0.5 लीटर, ठीक है। P2 कितना था, P2 फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। और वॉल्यूम जब कितनी होगी बच्चे 1 लीटर होगी, ठीक है। तो P2 की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी कितनी, 0.8 × 0.5 कितनी होगी बच्चे 0.4 होगी। ऐसे ही बच्चे ऑक्सीजन का करना, P1V1 = P2V2। P1 की वैल्यू पहले कितनी थी 0.7 थी, वॉल्यूम कितनी थी 2 थी, P2 कितना हो गया बताना, निकालना है। P2 कितना हो गया 1 हो गया, ये आ गया P2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.4। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। 1.8 बार आंसर आ जाएगा, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा 1.8। ये जो बेंजीन वाला न्यूमेरिकल है ना, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल शायद 6.8 है, तो ये वाला करते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स का ये थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है, तो पहले इसको एक बार इरेज कर। हाँ जी, इसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि ना हमारे पास जो है वो
कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन, वन मोल बेंजीन का कंबशन करो, बेंजीन हो गया C6H6, इसमें कंबशन करवाया CO2 प्लस H2O, यहाँ 6 था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, 6 लगा देंगे, यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ये 12 और 3 कितने हो गए बेटे बताना, 15/2 लिख दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, अगर मैं हमारा फॉर्मूला लगाऊं, हमारा फॉर्मूला बताओ क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट में जो है बच्चे, प्रोडक्ट में जो है वो कौन है, CO2 और वाटर है, CO2 की वैल्यू ये रही, वाटर की वैल्यू ये रही, रिएक्शन की भी पता है और निकालनी किसकी है, बेंजीन की, देखो रिएक्शन की वैल्यू है, इसमें बस एक झोल था कि 3-3267 लेना था, ये माइनस क्यों लेना था, क्योंकि इतनी हीट क्या हुई है बच्चे, इतनी हीट क्या हुई है, लिबरेट हुई है, इतनी हीट क्या हुई है, लिबरेट हुई है, तो प्रोडक्ट में जो है बच्चे वो कौन है, 6 मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस, उसके बाद बच्चे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ बेंजीन प्लस 15/2 एंथैल्पी ऑफ O2, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज डाल दो बस बेंजीन की निकल आएगी, 48 के आसपास आंसर आता है बच्चे इसका, 48.5 में, ठीक है ना, ये था। उसके बाद बच्चों कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, किसी बच्चे ने ये करा नहीं होगा, 11th घर किसी ने ही ले लिया होगा ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कैसा सिस्टम जिसमें ना एनर्जी एक्सचेंज होती है ना मैटर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड नहीं करती अमाउंट के ऊपर, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कितनी हीट निकलेगी जब कोई एक मोल कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। बच्चों 12वें क्वेश्चन पे आ भी गए, 40 मिनट हुए उसमें से 10 मिनट फोन में बात करने लग गया था, अच्छा कहते हैं केस स्टडी तो मैं पढ़ता नहीं बच्चों, केस स्टडी पढ़ने में फायदा नहीं होता, कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर मे ऑल्टर द इक्विलिब्रियम, दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन विच लॉ प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है, एक ही तो प्रिंसिपल है पूरे चैप्टर में, एक ही प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल एक ही होता है, यहाँ पर कौन है बच्चे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं ऑन एडिशन ऑफ, पढ़नी पड़ेगी स्टोरी, है ना, ऑन एडिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड द इंटेंसिटी ऑफ विच कलर डिक्रीज, अब जरा रिएक्शन देखना पड़ेगा बच्चे, देखो ये है, देखो कहते हैं ये रिएक्शन है Fe3+SCN, ये बनाता है डीप रेड कलर, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन इफ वी एड ऑक्सैलिक एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर मतलब ऑक्सैलिक एसिड जो है ना वो Fe3+ को खाता है, Fe3+ को खाने का मतलब हो गया कि वो रिएक्टेंट को कम कर देगा, अगर रिएक्टेंट को कम कर देगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो कौन सा कलर बढ़ेगा, येलो बढ़ेगा, रेड घटेगा, उन्होंने पूछा था कौन सा घटेगा, तो हम बोलेंगे बच्चे रेड यहां पर घटेगा, रेड कलर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल डिक्रीज। हाउ विल द एडिशन ऑफ KSCN इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन, कहां है भाई KSCN, KSCN मतलब ये हो गया, KSCN इज नथिंग बट द SCN माइनस ही तो हुआ ना, तो रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा और क्या, द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और कैटलिस्ट से तो बच्चे 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 को पता है कि कुछ भी नहीं होता, और कुछ बताना है किसी को, केसी कैसे लिखोगे बच्चे, अरे भाई केसी लिखना नहीं आता तो फिर क्या करोगे आप, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पेपर इतना आसान भी नहीं होता होगा जितना इन्होंने बनाया, आपको मुश्किल लगा, कैसा लगा बच्चों आपको पेपर,